भागलपुर शहर में अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक चावल व्यापारी से 5 लाख रुपए लूट लिए। दरअसल यह घटना ललमटिया थाना क्षेत्र के पीपरपाती मोहल्ले में घटी, जो थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। अपराधियों ने हथियार के बल पर व्यापारी गौतम भगत की दुकान में घुसकर लूटपाट की और धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए तो गोली मार देंगे। 3 बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद आराम से फरार हो गए, जिससे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। घटना के बाद सिटी SP डॉक्टर के रामदास, DSP 2 राकेश कुमार और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है, ताकि अपराधियों का कुछ सुराग मिल सके। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन गया है। हम देखे कि 3 आदमी मोटरसाइकिल से आकर के सीधा दुकान घुसा। हम बैठे हुए थे, भगत जी हम लोग गप कर रहे थे, सामान निकाला, ऐसे सटाया, हाथ बैग लेकर के बैठे। कितने लोग थे? 3 आदमी। तीनों के पास हथियार था क्या? एक ही कला था, दो क्या वो नकाब पोस्ट था? नकाब था, गमछी बांधा। किनके यहाँ हुआ है? गौतम भगत। गौतम भगत, क्या चीज के दुकान है इनका? चावल का दुकान है। 3 बाइक सवार आया, मुँह में पट्टी बंधा हुआ था और कुछ कट्टा टाइप का थ्री नड़िया जो होने जानते हैं, वो सटाया और बैग में हमारा 5 लाख रुपया था वो लेकर के चला गया। कितने बजे हुआ घटना? 5 मिनट कम था, 11 बजे में। क्या कहा आपको? बोला चचा क्या हाल है, उसके बाद जो है बोला हमको बैग दे दो तो गोली मार देंगे। नहीं पहचानते, पूरा मुंह में पर वो गमछी बांधा हुआ था। देखिए, इधर ललमटिया थाना अंतर्गत पेपरपाती कालिस्तान में एक प्राची स्टोर है, ये चावल की दुकान है। उस दुकान पे अज्ञात 3 व्यक्तियों को द्वारा लूट का बारे में बता दा रहे। अभी इसमें जांच शुरू की है, जल्दी से जल्दी इसमें उद्भेदन करना। 3 अज्ञात व्यक्ति के बारे में लूट का बात बता रहे हैं। राशि कितना है सर? पैसा कितना? ये 5 लाख का रुपया बता रहे हैं। 200 मीटर हाँ 200 मीटर चोरी है। सो ये घटना अभी जाँच कर रहा हूँ, अभी जल्दी से जल्दी उद्भेदन होगा। भागलपुर हबीबपुर के खिलाफत नगर मोहल्ले में हुए बम धमाके में घायल बच्चों का इलाज मायागंज अस्पताल में जारी है। वहीं घटना की जांच में तेजी लाने के लिए पुलिस लगातार घायल बच्चों और उनके परिजनों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। अस्पताल में भर्ती घायल आरिफ ने बताया कि राजा नामक लड़के ने गली में बम लाया था, जबकि राजा ने इस आरोप से इनकार किया है। वहीं इस बम धमाके में कुल 8 बच्चे घायल हुए थे और पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, ताकि जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जा सके। कौन बोल रहा है कि राजा ने? उसका देवर कह रहा, अभी भी कह रही उसको सिंगारी जैसे बच्चे को बोलिए, ये बच्चे मेरे पे की राजा बम के की है, वो बता रही यार, वो बता रहा उसका देवर संजार, बता रहा संजार नाम है उसका, गुलजार नाम है। क्या लगता है बम कहाँ से आया? कहाँ से आया हमें नहीं पता सर, हम तो पापड़ बेल लेते सर, हमें भी मालूम नहीं है। कुछ बताया नहीं सर, कुछ नहीं बताया, कैसे हमें जैसे खेला ना, हम जैसे बेटी से का ना, हम ये वो ठीक भी रहता है जो ठंडे का बोतल का वही जो ऐसे फेंका ना अम्मी, तो वही जो ऊपर पड़ दुकन ऊपर से गिरा छत पे से अम्मी, मगर हाँ मगर हमने देखा नहीं अम्मी कहाँ में से गिरा, ये गिराया नहीं गिरा ये नहीं देखा नहीं देख, यही बात बच्चे आप ही कह रहे सर कि आपको छत पर से ही गिरा, छत पे से गिरा, देखा किसी ने सर? आदमी यहाँ से वहाँ तक आदमी रहता है सर, ये भी समझिए बैठ के बीड़ी बनाती है, मगर इसका गेट भिड़का होगा ये नहीं देखी होगा सर, ये भी कह सकते हैं हम। राजा भी नहीं देख पाए मगर गली का आदमी एक न एक न कोई न कोई जरूर देखी होगा सर। भागलपुर के टाउन हॉल में स्वच्छ भारत पखवाड़ा के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। दरअसल इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस मनाना था। कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर सांसद अजय मंडल, नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति और उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सांसद अजय मंडल ने अपने संबोधन में महात्मा गांधी के स्वच्छता
संबंधी विचारों को रेखांकित करते हुए कहा कि आज पूरे देश में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता को एक नई दिशा दी है। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न नृत्य, संगीत और नाटकों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया, जिसमें स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति और स्थानीय लोग उपस्थित थे। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही आप सभी को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, आज स्वच्छता ही सेवा उत्सव का आयोजन सिर्फ भागलपुर में ही नहीं, भारत के सभी राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के महदीपुर करहरिया गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान यदुनंदन प्रसाद सिंह के रूप में हुई है, जिसकी मृत्यु विद्युत दुर्घटना के दौरान मायागंज अस्पताल ले जाते समय हो गई। हालांकि मृतक के परिजनों ने इसे दुर्घटना नहीं मानते हुए बालू माफियाओं द्वारा की गई साजिशन हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के भाई पंकज कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि उनके भाई की हत्या बालू माफिया सिर्फ बालक चौधरी और बबलू यादव ने की है। उन्होंने बताया कि पहले भी उनके खेतों को जबरन बालू खनन के लिए जोता गया था और इस विवाद में गोलीबारी भी हुई थी। इस घटना के बाद उन्होंने जगदीशपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों का कहना है कि बालू माफियाओं के बढ़ते प्रभाव और प्रशासन की निष्क्रियता के चलते यदुनंदन को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं खबर लिखे जाने तक सबका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। अवैध बालू खनन को लेकर जगदीशपुर थाना क्षेत्र में लंबे समय से माफियाओं की सक्रियता बनी हुई है, लेकिन प्रशासन उन पर लगाम लगाने में नाकाम रहा है। मेरे भाई को देखें दरवाजे पर से शिवालक और हम बबलू यादव दोनों उठा के लेके गया मोटरसाइकिल से। जरा सा भी था, इधर उधर आता जाता था, गया लेकर के। हमको कोई पता नहीं था, हम 7 बजे लमसम में बैठे थे घर पर। हमको कॉल आया शिवालक के मोबाइल से कि आपका भाई एक्सीडेंट हो गया सिरकट्टी में कनकेठी के पास। तो हमें आनंद फानंद में अपना मोटरसाइकिल लेकर के हम चले गए। तो बोला कजरेली हम आ रहे हैं, हम कजरेली चले गए। कजरेली आया नहीं आया था, फिर कॉल किए तो बोला हम कनकेठी कूड़ा दानी में उसी जगह टोटो पर है। हम गए वहाँ गए तो देखें मेरा भाई टोटो पर था। हम 2-3 आदमी थे, मेरा भाई सब था, मेरा बहू सब भी मोटरसाइकिल से आ रहा था। सब वहाँ गए, मेरा आदमी जैसे टोटो पर गया वो उतर गया। उतरा बस हम देखते रह गए इधर भाई को, और वो बगल से भाग गया। उसी जगह अगल बगल उसका घर है। अब जो है ना कॉल उठा रहा है, ना कोई बात कर रहा है, कैसे क्या हुआ हमको इस विषय में कोई भी पता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद द्वारा भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड परिसर और बैजानी में नाटक सुनो गौर से का आयोजन किया गया। दरअसल यह नाटक विक्रम कैंट द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जिसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। व्यंग्यात्मक संवादों ने दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया और उन्हें बांधे रखा। नाटक में श्री नंदलाल, सुनील कुमार मंडल, राज नारायण, सन्नी कुमार, प्रभास कुमार और प्रेम जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई। संगीत का निर्देशन भी श्री नंदलाल ने किया। इस अवसर पर लगभग 300 छात्र छात्राएं, बुद्धिजीवी, समाज सेवी और समुदाय के अन्य लोग उपस्थित रहे और कार्यक्रम का हिस्सा बने। नाटक ने पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का काम किया। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर सुल्तानगंज नगर परिषद द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने की,
जबकि कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, उपसभापति नीलम देवी और सभी वार्ड पार्षद, स्वच्छता कर्मी और स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह की शुरुआत स्वच्छता रैली के साथ हुई, जो नगर परिषद सुल्तानगंज से शुरू होकर अबजूगंज चौक तक पहुंची और फिर वापस नगर परिषद सुल्तानगंज पहुंचकर संपन्न हुई। इसके बाद नगर परिषद के एक सभागार में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एलिमेंट्री स्कूल के पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही नगर परिषद के स्वच्छता कर्मियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार और नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने महात्मा गांधी जयंती और महल्या के अवसर पर नगरवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा दिवस पर यह रैली नगर की स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निकाली गई और बच्चों को पेंटिंग प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। अखिल भारतीय पान महासंघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर भागलपुर में डीएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। दरअसल इस धरने का आयोजन बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन द्वारा किया गया था, जिसमें पान, तांती और ततवा समाज को आरक्षण से बाहर किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। महासंघ के मीडिया प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानू गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सरकार के निराशाजनक रवैये का सामना कर रहे इन समुदायों को फिर से आरक्षण से वंचित कर दिया गया है। इसके खिलाफ महासंघ के लाखों सदस्य पूरे बिहार में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि महासंघ की योजना है कि अगले 6 महीने तक इस मुद्दे को लेकर पूरे राज्य में आंदोलन जारी रखा जाएगा। इसके तहत एक रथ यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें हम पान है का संदेश दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता इस रथ यात्रा के दौरान 12 जगहों पर रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसमें 8वीं रैली भागलपुर में होगी। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा की शुरुआत चंपारण से होगी और इसका समापन पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा।